10 रुपए बचा लिए। माय गॉड, इन बाइक्स का अलग ही मजा है। आज बड़े दिनों के बाद वही व्लॉग होने जा रहा है जो आप लोग चाहते हो, मैं चाहता हूं, लेकिन सच में मुझसे ज्यादा आप लोग चाहते हो, क्योंकि आज हो रही है मॉर्निंग राइड, जिसको हम हमेशा कहते हैं हमारी लैंग्वेज में ब्रेकफास्ट राइड। मैं जा रहा हूं, आशीष जा रहा है, सुबह 5 बजे से उसको उठा रहा हूं, और ये मेरी 5वीं कॉल थी और लास्ट कॉल थी। अगर उठ गया होगा तो उसको लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं अकेला जाने वाला हूं। कितने हजारों करोड़ों सालों के बाद आज मैं ब्रेकफास्ट राइड करने जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें कोई कमी छोड़ू। बाकी ऊपर वाले का और आप लोगों का सपोर्ट साथ ही है। और आज ये व्लॉग जो है ये रूम से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दीपिका और मानव गए हुए हैं शिमला, वहां पर ले रहे हैं बर्फ के मजे, हम बैठे हैं दिल्ली में, तो हम ब्रेकफास्ट राइड मार लेते हैं। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आशीष, आशीष कैसी रही भाई राइड? बढ़िया थी? बढ़िया रही राइड? भाई सो थोड़ी देर और सो जा, मिलता हूँ मैं, ठीक है? 1-2 घंटे में मिलता हूँ। सपने लो, बड़े बड़े सपने पूरे करो अपने, क्योंकि तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं तो नींद तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करके आ रहा हूँ, सो आराम से सो, जल्दी आ रहा हो तुम। उस बात को वही घंटा हो चुका है। सच्ची में मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा रेडी बैठा है। 5 मिनट दिए पूरे, अगर 6 मिनट हो गए तो ये यहीं लेटेगा, बस सोएगा, ये अपने सपने पूरे करेगा। तो गाइस हमें निकले हुए तो 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन एक अच्छा सा शॉट लेना था जिसके लिए हम यहाँ पर रुके थे, क्योंकि वीडियो में मजा भी तभी आता है जब आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखेगा। भाई राइड जब भी करोगे ना अलग ही मजा होता है, लेकिन जब इतने टाइम के बाद करो ना अलग ही क्रेज हो रहा है यार। ब्रेकफास्ट राइड ही है चाहे अभी लॉन्ग राइड नहीं है, और आशीष यार फर्स्ट टाइम जा रहा है वहां पर, इसलिए मैंने इसके लिए वेट कर लिया कि इसने अभी तक वहां पर ब्रेकफास्ट नहीं करा। आपको तो पता ही हम कहां जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, शेरे पंजाब, तो इसका मन था तो मैं कहा चल तेरे लिए इसी कारण वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल वेट नहीं करने वाला था, क्योंकि इसने बहुत लेट करा दिया था यार। आज की जो राइड है ये आप लोगों के लिए, तो मैंने एक मोटो व्लॉग करना था, चलो मैं आपके लिए इस कारण आया, लेकिन मेरा इसमें बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। हमने वहाँ पर बैठ के बहुत सारी ऐसी बात करनी है जो आने वाली राइड्स को लेकर है, फ्यूचर में एक छोटी सी प्लानिंग को लेकर है। मतलब आज की राइड मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को तो आता ही मज़ा जब भी आपको मोटो व्लॉग देखने को मिलेगा, और मुझे पता है इस व्लॉग के बाद लोग बहुत लिखने वाले हैं वेलकम बैक, बट अब आएंगे मोटो व्लॉग्स आएंगे, आप लोग भी मजा करोगे और मैं भी मजा करूंगा। बट आज सही बताओ ना, मुझे उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हैबिट हट चुकी है यार। देखो जो इसका मीटर है ना, ब्लर होना स्टार्ट हो गया, मतलब उसके अंदर फोग आनी स्टार्ट हो गई, जबकि अच्छी खासी धूप है। ये प्रॉब्लम मुझे पहले नहीं पता था कि हिमालयन में होती है, बट हाँ अब दिख रही है तो मैं कह सकता हूँ कि ये छोटी मोटी दिक्कत इनमें है। बट छोटी मोटी को देखा जाए, अगर मैं इसको विदाउट वारंटी चेंज करवाऊंगा बहुत खर्चा है इस पे। कितना प्यारा व्यू है यार यहाँ से, सामने देखो सोसाइटी बनी है और स्ट्रेट रोड। बाइक तो बाइक, और उसमें क्या ही म्यूजिक चल रहा है ना, मजेदार। माय गॉड, हार्ले का ग्रुप है, और हार्ले का ग्रुप जो है ना, मतलब अलग ही लगता है यार जब ये लोग चलते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, इन बाइक्स का अलग ही मजा है, ये असली पैशन। कोई भी सुपर बाइक दिखती है ना तो मतलब एक अलग ही ना अंदर से यार चीज आती है, भाई ये होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, पता है? बाइक ले लोगे, बाइक को संभालना, मेंटेन रखना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और पहले मैं उस जिम्मेदारी तक पहुंच रहा था, बट फिर मैंने बीच में अपना जो ब्रेक ले लिया ना उसके कारण थोड़ा सा जो है गड़बड़ा गए, थोड़ा सा इधर उधर हो गए, बट फिर से बहुत जल्द उसी ट्रैक पर हम आने वाले हैं, और बहुत जल्द बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे आएगा ना आपको मैं साथ के दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा नहीं, पूरा नहीं हो पाता अगर हम ज़्यादा ही चीज़ें कुछ बोल देना, तो इसलिए करो और दिखाओ, वो बेटर है, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, जब करेंगे ना तो अपने आप दिख जाएगा। यस, यही रोड, हर बार ही बोलता हूँ फिर से बोलूंगा, ये जो ट्री ऊपर से कवर करते हैं ना रोड को, अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे। और जब हम मसूरी जाते हैं ना तो स्पेशली बीच में जो देहरादून से रोड आता है ना वो सारा ऐसा होता है। तो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, वो रहा सामने शेरे पंजाब, बस फटाफट से लगवाएंगे परांठे, कॉफी, मैगी, पहाड़ों वाली ना सही बट जंगल की फील वाली मैगी यहाँ पर भी है।
मजा आया? बहुत ज्यादा। आने आगे से? पक्का लॉन्ग राइड कंफर्म? उठाएगा कौन तुझे सुबह? अच्छा अपना ब्रेकफास्ट आ गया, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करें एंजॉय और गरम गरम पियेंगे कॉफ़ी। हाँ यहाँ की कॉफ़ी का मुझे अलग ही मज़ा लगता है। वैसे हम एक एक करके चीज़ें मंगाते हैं, हमने भर के मंगा लिया, हमें इतनी भूख लग रही थी और आशीष आया पहली बार, मैं कहा सब कुछ खा भाई सब कुछ ट्राई करना है यहाँ पे। तो चलो ना वो भाई खा पी के ना पेट फुल हो गया भैया, हिल ही नहीं रहे, बोल रहे चलो कहीं और चलो। चलो नहीं खोल रही तब भी यहीं बैठूंगा, सब खाली हो गया है लेकिन ये बंदे नहीं उठ रहे यार, टाइम बीता जा रहा है तो लेट आए तो उठोगे नहीं क्या? चल लेते तू कह रहा है तो दस रुपये बचा लिए वापस करेंगे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग आ गए संजय वन में, मैंने कहा आशीष ने नहीं देखा आज इसके मजे, सब कुछ नया नया एक्सपीरियंस कर रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज मारेंगे, मतलब दिखावे के लिए सिर्फ व्लॉग के लिए है, वैसे कोई मूड नहीं है। संजय वन में ना देखो ये चीज़ बढ़िया है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वन है तो ऑब्वियसली बातें होगी, बाहर ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ी वॉक हो जाएगी और अब लग रही है हल्की हल्की ठंड क्योंकि ब्रेकफास्ट किया है, तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आशीष मेरे एक वीडियो ले रहा था, शूट कर रहा था और अभी इतनी तेज गिरता। तो आपका नेम क्या है? मेरा नाम आकाश कठोरी है। ओके तो आप संजय वन कब से आ रहे हैं? संजय वन में सेकंड या थर्ड टाइम आया हूँ आज। ओके तो आपको पता चला है कि जो डीडी है वो यहाँ पे वर्क कराना स्टार्ट करी है, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा जी? नहीं ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी और फिर एट द एंड आपको पता है क्या होता है? नहीं एक्चुअली मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मैं स्पेशली इस एरिया में ही आता हूँ ग्रीनरी के लिए, और संजय वन में विजिट कराया तो सिर्फ इसीलिए कि यहाँ का जो मतलब एक नेचुरल चीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ बनाया हुआ कुछ भी, जो ग्रीनरी है ये सबको ही पसंद आएगी मुझे क्या, और हर कोई चाहता है कि अपने घर के पास भी ऐसा हो, और अगर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिविटीज इतनी बेटर रहेंगी जितना ये नेचुरल है। थैंक यू सर। तो गाइस हमें संजय वन के अंदर अंदर ही कम से कम एक डेढ़ घंटा हो गया और इतनी फोटोज कराई है हमने जो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम का जो हैंडल है यहाँ पर आ रहा होगा मींस उसकी आईडी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, और हैंड टू हैंड जो भी हम कर रहे होते हैं वो वहाँ आता रहता है क्योंकि व्लॉग तो थोड़ा सा लेट होता है बट इंस्टा जो है वो हैंड टू हैंड एक्टिव रहता है। आशीष पता नहीं कहाँ जंगल के अंदर घुस घुस के फोटो खिंचा रहा है, बेटा सांप काट गया ना एक बार पता चल जाएगा। सांप आते ही नहीं है, सांप ना डस के भाई भग जाते हैं, पूछो क्यों? क्यों? वो भाई रुकते से लिए नहीं है कहीं हम उन्हें पकड़ के उनसे उनका जहर वापस ना निकलवा ले, वो साले काट के भग जाते भाई, दिखते भी नहीं है कहाँ गए कौन काट गया, बाद में पता लगता सांप ने काटा, हमें लगता चींटी ने काटा, ये सांप ने काटा साले। भाई मेरे को भैया बोल के लाए थे कि ये मैं डर गया ऊपर से जब गिरा ऊपर से गिरा मैं डर गया सही में एकदम, सांप की बात वैसे कर रहा है भैया, मेरे को बोल के लाए थे वन है यहाँ पे कुछ बढ़िया बढ़िया जानवर मिलेंगे। देखो मैंने इसको झूठ नहीं बोला, वो देखो स्नेक्स का यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है ये देखो, और जो इतने बड़े बड़े चीते बैठे हुए हैं वो तो बेचारे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बेटा सांप तो कह के जाएगा अगर आएगा तो। देखो ब्यूटीज कितनी अच्छी लग रही है, नाश्ता हमारा हो गया था, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो गई है, संजय वन भी घूम लिए। आशीष तू इधर आ पहले, तुझे आज की राइड कैसी लगी ये बता। अब नेक्स्ट राइड में मैं दिखे करूंगा। दिखा करेगा बस, मतलब अच्छी लगी है और कुछ नहीं, मतलब इतनी बढ़िया लगी, समझ गई है तुम्हारे जो सब्सक्राइबर्स सब समझ गए हैं। समझ गई क्या ये मेरे क्या मतलब? गए हैं, गई भी है भाई तुम्हारी तो गई भी है। नहीं गए सब है यार, और लेकिन मुझे ना सही बता रहा हूँ ये छोटी छोटी होती है ना चीज ब्रेकफास्ट राइड इसमें बहुत मजा आता है, और यहाँ के तो स्पेशली। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं, फिलहाल घर के लिए निकलते हैं। चलो आशीष इसकी बैटरी चेंज करते हैं, फटाफट अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं। ड्यूटी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे राइड में बहुत मजा आता है, चाहे छोटी सी राइड है ना, छोटी छोटी से बड़ी करेंगे, बड़ी बहुत जल्द करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, और हमने बैठ के आराम से प्लानिंग करी है, एक अच्छी वाली राइड में हम जाने वाले हैं, और बहुत दिनों में नहीं जैसा मैंने आपको बताया ना 25th को उम्मीद यही। आशीष तू बता 25th का पक्का चले? ठीक है मजे करके आएंगे अच्छे से, अभी मैं चल रहा हूँ घर। तो गाइज हम राइड कर आ गए थे घर पर और ब्लॉग का एंड नहीं किया था, और आज है नेक्स्ट डे, आज ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ बिकॉज थकान बहुत हो गई थी,
क्योंकि दो तीन दिन से ऐसे चल रहा था एडिटिंग राइड एडिटिंग बाइक का काम ये वो। अब मुझे प्लानिंग करनी है अपनी राइड की और बाइक में थोड़ा सा काम और करवाना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। और मेरा कुछ ऐसा भी प्लान बन रहा है कि लॉन्ग राइड जो है वो 4-5 दिन वाली से पहले एक लॉन्ग राइड ऐसी हो जाए जो एक दिन में हो जाए, लेकिन वो एक दिन की राइड बहुत लंबी हो सकता है, उसके 2-3 ब्लॉग बनेंगे, वो भी 400-500 किलोमीटर की होने वाली है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देखे और यहां तक देख लिया, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।